आई थिंक सलमान हैज़ डन अ फैबुलस जॉब. उसका आइटम सॉन्ग जो है वो बहुत डिफरेंट है इन द सेंस दैट ही डज नॉट टेक ऑफ हिज शर्ट इन दिस आइटम सॉन्ग. एंड दिस आइटम सॉन्ग वॉज एक्चुअली फॉर मी इट वॉज अ प्रेजेंट टू ऑल सलमान फैंस हु कॉल हिम सलमान भाई बिकॉज ही इज प्लेइंग अ भाई इन दिस आइटम सॉन्ग. एंड इट्स अ वेरी वेरी लाइक अ टपोरी लुक. टपोरी लुक में सलमान मुस्लिम मोहल्ले में ये गाना हो रहा है. कतरीना को भी हमने वेरी पाकीज़ा काइंड ऑफ लुक दिया है. तो ये बहुत ही अलग टाइप का आइटम सॉन्ग होगा. अनिल ने भी एक छोटा कैमियो किया है. बहुत फ़नी है और अनिल बहुत स्पोर्टिंग थे. उन्होंने बिल्कुल अपने ऑस्कर अवार्ड का डांस किया है इस फिल्म के अंदर. और ऑफकोर्स ट्विंकल आपको बहुत सालों के बाद दिखेंगी कैमरा पे बिकॉज उनका क्रेडिट आता है प्रोड्यूसर में. तो मेरे एंड क्रेडिट सॉन्ग में जैसे आप लोग जानते हो और पहली बार आई थिंक और शायद हाँ पहली बार मेरे तीन बच्चे आपको दिखेंगे स्क्रीन पे. मेरा बेटा कतरीना को मैं अब बहू कहने लगी हूँ क्योंकि जार और कतरीना का फुल ब्लोन सीन चल रहा था सेट पे. दोनों के आँखों में काफ़ी बातें होती थी और मम्मी का किस तो वो पहुँच देता था लेकिन कतरीना का किस वो रखे रखता था पूरा टाइम. कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारी माँ ये भी नहीं जानती कि तुम एक डायरेक्टर नहीं वांटेड क्रिमिनल 30 बार हाँ हो. स्पाइडरमैन की माँ भी नहीं जानती कि उसका बेटा स्पाइडरमैन है. तो ये जब मैं डांस इंडिया डांस की जज थी तब मैंने धर्मेश को पूछा था क्योंकि मैं धर्मेश से इतनी इम्प्रेस हो गई थी. मैंने उसे पूछा था कि मेरी फिल्म में क्योंकि हम एक प्रमोशनल म्यूज़िक वीडियो बनाने वाले हैं तो मैं चाहती थी कि धर्मेश आए और वो म्यूज़िक वीडियो कोरियोग्राफ करे जो आई थिंक मैंने अपनी प्रॉमिस निभाई और ही हैज़ कोरियोग्राफ 30 मार खान का जो टाइटल ट्रैक है धर्मेश ने वो कोरियोग्राफ किया है. और उसके लिए भी बहुत नया एक्सपीरियंस था क्योंकि उसने फिल्म के लिए या कैमरा के लिए कभी कोरियोग्राफ नहीं किया है. आई थिंक खास बात ये है कि ये गाना जो कंपोज किया है वो मेरे हस्बैंड शिरीष कुंदर ने कंपोज किया है पहली बार और लिरिक्स भी उन्होंने लिखे हैं. आई थिंक इट्स अ रॉकिंग सॉन्ग. USP बहुत सारी हैं. एक मैं कहना मुश्किल होगा. एक है कि वो मेरी फिल्म आ रही है 3 साल के बाद तो आई थिंक वो एक मैं हर 6 महीने में एक फिल्म नहीं लाती हूँ तो आई थिंक दैट इज़ USP. अक्षय एंड कतरीना इज़ नेवर बिफोर वो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ. बोथ हैव गॉट अ ग्रेट लुक. अक्षय इसमें नर्ड नहीं प्ले कर रहे हैं वो एक हीरो है फिल्म के जैसे हीरोज मुझे अच्छे लगते हैं. कतरीना बहुत हॉट है. गाने आई थिंक विशाल शेखर एंड शिरीष बोथ हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. बहुत मज़ेदार है फिल्म एंटरटेनिंग है. मैं अपनी फिल्म की तारीफ नहीं कर सकती हूँ यार तुम लोग जाके देखो. मैं हूँ 30 मार खा. मैं हूँ 30 मार खा. बॉस पुलिस. उप्स मैं नहीं हूँ 30 मार खा. अल्लाह की कसम मैं नहीं हूँ.